उदाहरण 19, समीकरण 5x धन 3y बराबर 12 एवं 5x धन 9y बराबर 15 का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण हल, समीकरण 5x धन 3y बराबर 12 की तुलना हम समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1 से करेंगे। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो इसमें a1 का मान जो है वो है 5, उसी तरह से b1 का मान हमारे पास 3 है और c1 का मान हमारे पास 12 है। हमने 5x धन 3y बराबर 12 को समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1 से तुलना करने के बाद a1 का मान 5, b1 का मान 3 और c1 का मान 12 प्राप्त किया एवं समीकरण 15x धन 9y बराबर 15 में समीकरण निकाय a2x धन b2y बराबर c2 से हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें a2 का मान 15 प्राप्त होगा, उसी तरह से b2 बराबर यहाँ पे 9 है और c2 का मान, c2 के स्थान पर 15 है तो c2 का जो है वह 15 होगा। अब a1 बटा a2, a1 बटा a2, यहाँ देखिए a1 5 है और ये 15, तो ये हो गया 5/15, ये a1 बटा a2 का मान। उसी तरह से हम b1 बटा b2 का मान बराबर ये 3/9 ले लेंगे और उसी तरह से c1 बटा c2 बराबर 12/15, हमने c1 बटा c2 बराबर 12/15 लिया। c1 बटा c2, c1 बटा c2 बराबर 12/15, या हम अंश और हर में कहीं इसको 5 से काटेंगे तो a1 बटा a2 बराबर 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो a1 बटा a2 बराबर 1/3 आया। उसी तरह से हम b1 बटा b2 का सरल रूप लिखेंगे तो 3/9, 3 के पहाड़े में कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ 1/3 आ गया। और उसी तरह से c1 बटा c2 बराबर हम 12/15 को 3 से कहीं काटेंगे तो 3 चौक और 3 पंचे 15, तो c1/c2 बराबर 4/5 प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 है जो कि c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ a1/a2 1/3 है और b1/b2 भी 1/3 है, तो a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में बराबर है जो 1/3 है, मगर c1/c2 का मान 4/5 है जो कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसे हमने लिखा यह बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में यह जो स्थिति उत्पन्न जो होती है वो समीकरण का कोई भी हल नहीं है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि समीकरण, दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं है, क्योंकि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 से और इसका मान बराबर नहीं होता है c1/c2 से तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, यह इस प्रश्न का हल
होगा।